हैं। तो चिकन लॉलीपॉप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 500 ग्राम चिकन लॉलीपॉप के पीस ले लिए जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच विनेगर, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 चम्मच डालेंगे हम गरम मसाला, 1 चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे हम फूड कलर, जो तंदूरी फूड कलर आता है वो लिया है, 1 चम्मच डालेंगे टमाटो केचप, 1 चम्मच डालेंगे हम सेजवान सॉस, 1 चम्मच डालेंगे हम रेड चिली सॉस और 1 चम्मच डालेंगे हम डार्क सोया सॉस, 1 चम्मच डालेंगे हम अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच डालेंगे हम लहसुन का पेस्ट। और अब इसे हम डालेंगे 1 अंडा और 2 चम्मच डालेंगे हम कॉर्नफ्लोर। अब 4 चम्मच हम डालेंगे इसमें मैदा। अच्छे से अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छे से चिकन के साथ मसालों को मिला लेंगे। अच्छे से ये मिक्स होने के बाद हम इसे 30 से 40 मिनट के लिए मैरिनेट होने रख देंगे ताकि अच्छे से चिकन हमारा गल जाए और उसकी कोटिंग भी अच्छे से आ जाए। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसे 30 से 40 मिनट मैरिनेट होने रख देंगे। देखिए 30 से 40 मिनट हो चुके हैं। अब हम मैंने एक पैन में तेल गरम कर लिया है, अब हम इसमें लॉलीपॉप फ्राई करेंगे। तो देखिए एक एक पीस हम ऐसे डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। स्टिक से पकड़ के डालना है ताकि ये प्रॉपर शेप लॉलीपॉप का आएगा। सारे पीस हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे हम फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे डाल के फिर हम इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे हल्का सा घुमाएंगे। मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से अंदर से भी ये कुक हो जाए, अच्छे से ये फ्राई हो जाए। इसे हमें घुमाते रहना है। 7 से 8 मिनट में ये फ्राई हो चुके हैं। तो देखिए बिल्कुल ही बढ़िया फ्राई हो चुके हैं हमारे चिकन लॉलीपॉप। देखिए दिखने में ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ना, बिल्कुल ही होटल जैसे। तो अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम सारे लॉलीपॉप निकाल लेंगे। तो लॉलीपॉप हमारे फ्राई हो चुके हैं, आइए अब हम इसे होटल जैसा लुक देते हैं। उसके लिए मैंने सिल्वर पेपर, जो फॉइल पेपर आता है, वो ले लिया है। उसके छोटे छोटे पीस कर लिए, उसको लॉलीपॉप के स्टिक में इसे फॉइल कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल ही होटल के जैसा लगेगा। देखिए सारे लॉलीपॉप की स्टिक हम इसे फॉइल पेपर से फॉइल कर देंगे। अच्छे से हम इसे फॉइल कर लेंगे। तो देखिए लग रहा है ना बिल्कुल ही होटल जैसा लॉलीपॉप। तो लॉलीपॉप हमारे सारे रेडी हो चुके हैं, आइए अब हम इसे सर्व करते हैं पत्ता गोभी और शेजवान चटनी के साथ। तो प्लेट में हम लॉलीपॉप रख देंगे सर्विंग प्लेट में और इसे हम सर्व करेंगे। से खाते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी रेसिपी बनाने की। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1/2 kg चिकन ले लिया है बोनलेस, उसमें स्वाद अनुसार नमक डाला है। फिर हम उसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और फिर डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और फिर 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और 2 चम्मच डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे हम इसमें।
और एक लेमन जूस डाल देंगे। पूरा एक नींबू का रस हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। मसालों को हम चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम मैरिनेट, अगर आपके पास टाइम है तो मैरिनेट कीजिएगा, वरना ये तुरंत ही बनाएंगे तो भी ये आराम से कुक हो जाएगा। तो मैंने इसे यहाँ पे ज़रा भी मैरिनेट नहीं किया और इसे हमने तुरंत ही फ्राई कर लिया था। तो देखिए अब इसे थोड़ी देर हम साइड में रख देते हैं जब तक हम दूसरी प्रोसेस के लिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ 5 से 6 ब्रेड की स्लाइस ले ली है और कुरकुरे ले लिए जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। अब हम इसे मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुरकुरे को भी ग्राइंड कर लिया है मिक्सर में और ब्रेड को भी ग्राइंड कर लिया, ब्रेड क्रम्स बना लिए। आपके पास अगर ब्रेड क्रम्स रेडीमेड है तो वो भी चलेंगे। तो देखिए कुरकुरे और ब्रेड को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। फिर हम लेंगे 2 अंडे, उसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे। अब मैरिनेट किए हुए चिकन को अंडे में डिप करेंगे, फिर उसको हम कोटिंग लगाएंगे कुरकुरे और ब्रेड क्रम्स की। तो अच्छे से हम इसकी कोटिंग करेंगे, बस हल्के हाथ से हमें इसे कोटिंग करना है और इसे फ्राई कर लेना है। तो सभी प्रोसेस इसी तरह से हम करेंगे। सारे चिकन को हम अंडे में डिप करेंगे और फिर उसमें हम कुरकुरे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। तो ये फ्राई करने के लिए अब बिल्कुल ही रेडी है। तो बस सारे चिकन को हम ऐसे कोटिंग कर लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे एक पैन में तेल गरम कर लिया था, उसमें हम कोटिंग किया हुआ चिकन डाल देंगे। हाई फ्लेम पे ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए चिकन मैंने डाल दिया है, इसे हम बिना हिलाए 5 मिनट हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। 5 मिनट के बाद इसको हम स्टर करेंगे। देखिए अच्छे से ये फ्राई हो रहा है। एक ही फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे, ना ही लो करेंगे ना ही हाई करेंगे, बस इसको मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे, जैसे ही हमने पहले से ही फ्लेम रखा है उसी फ्लेम पे हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब इसे एक प्लेट में हम सर्व करेंगे। देखिए बहुत ही मज़ेदार स्नैक बना है ये। इसे चाहे तो आप मेहमानों के आने पे इवनिंग स्नैक में, डिनर में या कभी भी लंच में भी बना सकते हैं। तो देखिए एकदम क्रंची और अंदर से पूरी तरह से ये कुक। मिलते हैं जल्दी से एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। रेसिपी यानी कि आज हम चिकन स्टार्टर बनाएंगे, ऐसी रेसिपी जो रमजान में इजीली बन जाएगी और बहुत ही कम समय में बनने वाली रेसिपी है। तो आज हम बनाएंगे चिकन स्ट्रिप। तो देखिए बहुत ही आसान है इसे बनाना, वो स्टार्टर की रेसिपी है। तो इसे स्टार्टर में सर्व करेंगे तो सभी बहुत शौक से खाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी रेसिपी की। तो सबसे पहले यहाँ पे चिकन स्ट्रिप बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है, उसको लंबा लंबा काट लिया है। ऐसे फिंगर की तरह आप काट सकते हैं या आप चाहे तो इसे टुकड़ों में भी काट सकते हैं, लेकिन ये चिकन स्ट्रिप है इसीलिए इसे मैंने लंबा लंबा कटिंग किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, फिर 1 चम्मच डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, फिर डालेंगे 1 चम्मच जितना विनेगर, फिर इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस। ग्रीन चिली सॉस डालने के बाद इसमें हम एग का व्हाइट पार्ट डालेंगे, अंडे का जो व्हाइट पार्ट आता है वो डालेंगे, फिर 1 चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 से 4 चम्मच जितना हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसमें। वो सारी चीजों को हम अच्छे से चिकन में मिक्स कर लेंगे। चिकन को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए चिकन हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब आपके पास समय है तो आप इसे 15 से 20 मिनट मैरिनेट कीजिए, अगर समय नहीं है तो आप इसे तुरंत भी फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑयल को गरम कर लिया है, तो अब हम इसमें चिकन डालेंगे और चिकन को हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मैंने 15 से 20 मिनट के लिए चिकन को मैरिनेट किया था, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसे तुरंत भी फ्राई कर सकते हैं। चिकन को डालने के समय हमें गैस को मीडियम फ्लेम पे रखना है और फिर इसको 2 से 3 मिनट के बाद इसे हम लो फ्लेम पे कर देंगे।
तो देखिए लो फ्लेम पे करने के बाद इसे हम एक बार घुमा लेंगे अच्छे से। एक बार अच्छे से स्टर करने से चिकन जो है वो अच्छे से चारों तरफ से फ्राई हो जाएगा। लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो अंदर से भी ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो देखिए चिकन मेरा ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे बहुत ही फ्राई नहीं करना, हमें हल्का ब्राउन कलर का होने तक ही फ्राई करना है। तो देखिए ब्राउन कलर का हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो देखिए अब एक पैन गरम कर लेंगे, उसमें मैं 2 बड़े चम्मच ऑयल डालूंगी, फिर उसमें 5 से 6 लहसुन की कलियों को काट के डालूंगी। देखिए इसमें मैंने लंबा लंबाई चॉप किया है, आप चाहे तो बारीक भी कर सकते हैं। लहसुन को फ्राई करने के बाद इसमें हम एक मीडियम साइज की प्याज डाल देंगे कट करके। देखिए इसे भी मैंने स्लाइस में कट किया है। तो प्याज को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें हम पत्ता गोभी और शिमला मिर्च स्लाइस में कट करके डाल देंगे। तो देखिए इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 1 मिनट के लिए सोटे करेंगे। 1 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। फिर डाल देंगे 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच रेड चिली सॉस और 2 चम्मच डालेंगे हम सेजवान सॉस। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मसालों को सॉस को अच्छे से हम मिक्स करने के बाद इसे हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छे से। तो देखिए वेजीज हमारे अच्छे से भून चुके हैं, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर में पानी डाल के देखिए इसकी पेस्ट बना ली है ऐसी, और अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 से 3 चम्मच पानी था ये, और इसे मिक्स करके मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 कप के करीब पानी डालेंगे, अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। तो देखिए ग्रेवी अच्छे से हो चुकी है, तो अब हम इसमें जो चिकन को फ्राई करके रखा है वो स्ट्रिप चिकन की डाल देंगे अंदर। तो देखिए इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसे ओवर कुक नहीं करना, सिर्फ 1 मिनट के लिए ही हमें इसे कुक करना है। तो देखिए ऑलमोस्ट बन चुका है। ऊपर से मैं डाल रही हूँ इसमें तिल, यानी कि सीसम सीड डालूंगी थोड़े से ऊपर, और फिर इसमें डाल देंगे हम स्प्रिंग ऑनियन। तो देखिए हमारी चिकन स्ट्रिप रेडी हो चुकी है। अब गैस बंद कर देंगे और चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। तो है ना बहुत ही आसान रेसिपी रमजान में बनाने की। तो देखिए ऊपर से वापस मैंने इसमें सीसम सीड और स्प्रिंग ऑनियन डाल देंगे। तो अब कैसी लगी आज की मेरी रेसिपी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और रमज़ान में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। अगर आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और देखिए देखते ही मुंह में पानी ज़रूर आ रहा होगा, तो ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए आज की हमारी न्यू रेसिपी ग्रीन चिकन फ्राई बनाने की शुरुआत करते हैं। तो देखिए ग्रीन चिकन फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रीन मसाला बनाएंगे। उसके लिए मैंने 1 इंच अदरक का ले लिया है, 10 से 15 लहसुन की कलियाँ ले ली है। फिर इसमें हम 10 से 12 काजू के डालेंगे, 15 से 20 ब्लैक पेपर कॉर्न डालेंगे, फिर 4 से 5 हरी मिर्च डाल देंगे, फिर इसमें हम थोड़ा हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहला पुदीना डाल दिया है, फिर इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया। तो देखिए अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, 1/2 कप के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसी अच्छी सी स्मूथ सी हम पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए इसकी पेस्ट बना लेते हैं हम। तो हमारी ग्रीन पेस्ट यहाँ पे बिल्कुल ही बनके रेडी हो चुकी है। तो अब यहाँ पे मैंने 1/2 केजी चिकन ले लिया है। चिकन में डाल देंगे हम स्वाद अनुसार नमक, फिर हम इसमें 1/2 नींबू का रस ऐड कर देंगे,
अब हम इसमें ग्रीन पेस्ट जो हमने रेडी की हुई है वो ऐड कर देंगे। अच्छे से हम इसे फैला लेंगे चिकन के ऊपर। फिर हम इसमें ऐड करेंगे एग का जो व्हाइट पार्ट आता है वो डालेंगे सिर्फ हम इसमें। फिर इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर। तो देखिए फ्रेंड, सारे मसालों को हम डाल चुके हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ और फिर हम चिकन को करेंगे मैरिनेट। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसे तुरंत ही फ्राई कर सकते हैं। मेरे पास समय था तो मैंने इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया था, अदरवाइज आप इसे तुरंत भी फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अच्छे से तेल को गरम कर लिया है। अब हम इसमें चिकन को फ्राई करेंगे। तो अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। देखिए चिकन को हम 2 पार्ट में फ्राई करेंगे, सभी चिकन को हम एक साथ फ्राई नहीं करेंगे। तो चिकन को डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे ताकि ऊपर की जो लेयर है वो अच्छे से बन जाए। 2 से 3 मिनट के बाद इसे हम पलट के देखेंगे और फिर हम कर देंगे मीडियम फ्लेम। फिर हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट के बाद मैंने चिकन को पलट दिया है और फ्लेम को कर दिया है मीडियम पे। अब 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे ताकि चिकन हमारा जो अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो जाए और ऊपर से भी अच्छे से कुरकुरा बन जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट के बाद चिकन जो हमारा है वो एकदम से फ्राई हो चुका है, मस्त क्रिस्पी बन चुका है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। फिर हम सभी चिकन को ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो देखिए जितना दिखने में ये बढ़िया लग रहा है, टेस्ट में भी ये उतना ही मज़ेदार लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं चिकन को। तो देखिए यहाँ पे मैंने शेजवान चटनी, प्याज और ग्रीन चटनी के साथ इसको मैंने सर्व किया है और ऊपर से मैंने स्प्रिंग ओनियन डाली है। तो देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है ना, खाने में भी ये उतना ही यम्मी बना था। और इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा नींबू का रस और इसको एंजॉय करेंगे। क्यों, देखते ही पानी आ गया ना। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो रमज़ान स्पेशल रेसिपी में आज मैं लेके आई हूँ थ्रेड चिकन की रेसिपी, जो इफ्तार में बनाओगे ना तो सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए आज की हमारी इफ्तार स्पेशल रेसिपी यानी कि थ्रेड चिकन रेसिपी की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले, मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी इफ्तार स्पेशल रेसिपी की। तो थ्रेड चिकन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है, उसको फिंगर कट में काट लिया है। देखिए इसे फिंगर के स्टाइल में इसे कट कर लेना है और फिर इसको हम मैरिनेट करेंगे। उसके लिए मैं डालूंगी 1 नींबू का रस, फिर डालूंगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, फिर 1 चम्मच डालेंगे चाट मसाला, 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाला, 1 चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर, 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 चम्मच डालेंगे रेड चिली सॉस, फिर 2 चम्मच डालेंगे डार्क सोया सॉस, फिर 2 से 3 चम्मच डालेंगे हम दही। अब सभी को अच्छे से हम चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हम इसे मिक्स करके 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। चिकन मैरिनेट करने से एकदम बढ़िया सा फ्राई होगा, एकदम से जूसी बनेगा, इसलिए इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट ज़रूर करिएगा। तो बस इसे हम अब ढक के 1 घंटे के लिए रख देते हैं साइड में। जब तक चिकन हमारा मैरिनेट हो रहा है तब तक हम आगे की प्रोसेस करेंगे। ये जो समोसे की सीट आती है रेडीमेड वाली, वो मैंने ले ली है। आप चाहे तो स्प्रिंग रोल की भी सीट ले सकते हैं। इसे हमें फिंगर शेप में पतला पतला काटना है।
तो देखिए कैंची से मैं इसे बिल्कुल ही बारीक बारीक कटिंग कर लूंगी। अगर आप स्प्रिंग रोल की शीट ले रहे हो तो उसको इस साइज में पहले कट कर लीजिएगा, फिर उसको बारीक बारीक काट लीजिएगा। तो बस हम सारी शीट जो है वो इसी तरह से काट लेंगे। देखिए बिल्कुल ही बारीक बारीक पतला पतला काटना है हमें इसे। तो इसी तरह चलिए सारी शीट जो है वो कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो शीट है वो कटिंग कर ली है कुछ इस तरह से। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस करते हैं। चिकन को 1 घंटा हो चुका है मैरिनेट किए हुए। तो मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है उसकी एक एक बोटी हम लेंगे और इसको ये जो शीट हमने कटिंग की हुई है उसके ऊपर ऐसे, इसके ऊपर हमें जो शीट की कोटिंग करनी है वो इस तरह से करेंगे। देखिए इसको हाथों से प्रेस करते हुए हम इसकी शीट की कोटिंग करेंगे चिकन के ऊपर, ताकि उसकी बाइंडिंग जो है वो अच्छे से हो जाए। तो देखिए इस तरह से हमें थ्रेड चिकन को रेडी करना है। तो चलिए सारा चिकन जो है हम इस तरह से रेडी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बस इस प्रोसेस के साथ हम सभी चिकन को कोट कर लेंगे। तो चिकन पे अच्छे से हमने शीट की कोटिंग कर ली है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल को पहले से ही गरम कर लिया है, तो अब इसमें हम चिकन को ऐड कर देंगे। और चिकन को है ना हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, ताकि ऊपर से जो हमारा लेयर है वो जले नहीं और अंदर से चिकन भी पूरी तरह से अच्छे से फ्राई हो जाए। तो बस इसको 2 से 3 मिनट के बाद हम पलट देंगे और इसको दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो चुका है। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, इफ्तार स्पेशल रेसिपी जो हमारी थ्रेड चिकन की है वो बिल्कुल ही रेडी हो चुकी है। तो देखिए कितना मज़ेदार सा ये फ्राई भी हुआ है और अंदर से भी बिल्कुल गल चुका है चिकन और एकदम से जूसी हुआ है। तो देखिए ये इफ्तार में बना के सबको खिलाएंगे ना तो सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो अगर पसंद आएगी ये रेसिपी आज की है मेरी, तो आप लाइक शेयर कॉमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज रमजान स्पेशल इफ्तारी रेसिपी मैं लेके आया हूँ, मटन कीमा समोसा। तो आज इफ्तार में बनेगा मटन कीमा समोसा। तो चलिए सबसे पहले एक पैन गरम कर लेंगे, उसमें 2 बड़े चम्मच हम डाल देंगे ऑयल। ऑयल गरम होते ही हम 1 चम्मच इसमें जीरा डाल देंगे और 5 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। यहाँ पे मैं 1/2 kg कीमे का यूज करूंगी, इसीलिए मैंने 5 मीडियम साइज की प्याज को बारीक कट करके डाला हुआ है। तो प्याज को हम हल्का सा भून लेंगे, बहुत ही भूनना नहीं, हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भूनना है प्याज को। तो अब हल्का सा प्याज का कलर जो है चेंज हुआ है, तो बस इसी स्टेज पे हम इसमें कीमा डाल देंगे। कीमे को मैंने अच्छे से धो के ड्राई कर लिया था, यहाँ पे मैंने मटन कीमे का यूज किया हुआ है। तो देखिए कीमे को हम प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 2 चम्मच डालूंगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर इसमें मैं 1 कटोरी फ्रोजन मटर डाल दूंगी। फिर हम इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम हाई फ्लेम पे ही इसे मिक्स करेंगे। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे। तो देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 5 से 6 मिनट के बाद देखिए हम ढक्कन खोलेंगे, कीमा जो है हमारा 50% जो है वो कुक हो चुका है। तो देखिए कीमे में हमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना, उसमें से जो पानी निकलेगा उसी में कीमा जो है वो अच्छे से पक जाएगा। तो देखिए पानी ऑलमोस्ट जो है वो ड्राई हो चुका है। तो कीमा अच्छे से भून चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 नींबू का रस, पूरे 1 नींबू का रस डाल देंगे हम इसमें। फिर हम इसमें 1 चम्मच हरी मिर्च डालेंगे पीसी हुई, आप चाहे तो बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। फिर हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर, और 1 चम्मच डाल देंगे गरम मसाला पाउडर।
फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और यहाँ पे मैं 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिर हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया और बारीक कटा हुआ पुदीना। दोनों को मैंने अच्छे से धो के ड्राई कर लिया था, अब इसमें ऐड कर दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से ये मिक्स हो चुका है, तो अब इसको हम कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए 5 मिनट के बाद कीमा जो है हमारा बिल्कुल ही रेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट ये पक चुका है। तो बस इसी स्टेज में हम फ्लेम को कर देंगे बंद। तो देखिए कीमा जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आइए इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं साइड में और आगे की प्रोसेस हम कर लेते हैं। तो कीमे को देखिए मैंने ठंडा करके एक बाउल में भर लिया है और फिर हम यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मैदे को पानी में डाल के इसकी स्लरी बना ली है। तो यहाँ पे मैं रेडीमेड समोसा स्ट्रिप का यानी कि समोसा पट्टी का यूज करूंगी, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है समोसा पट्टी, वही मैंने ले ली है। तो इससे अब चलिए समोसे बनाएंगे। और ये जो पट्टी है समोसे की वो छोटी है, इससे बड़ी साइज भी आती है, तो यहाँ पे मैं छोटी पट्टी का यूज कर रही हूँ। तो चलिए इसमें से एक पट्टी उठाते हैं और समोसा बनाते हैं। तो देखिए एक 1/2 लेफ्ट साइड से राइट साइड हम टर्न करेंगे और राइट साइड से लेफ्ट साइड टर्न करेंगे और इस तरह कोन शेप में हम पहले बनाएंगे और उसमें 1 चम्मच डालेंगे मटन कीमा और फिर एक बार वापस से हम टर्न करेंगे और फिर इसमें जो मैदे की स्लरी हमने बनाई है वो लगाएंगे। फिर हम इसको वापस से टर्न कर लेंगे। तो देखिए समोसा जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। बस इसी तरह से हम सारी प्रोसेस करेंगे और सभी समोसों को हम इस तरह से बनाएंगे। कोन शेप में बना के हम इसमें 1 चम्मच कीमा डाल देंगे। तो देखिए इसमें भी मैदे की स्लरी लगा लेंगे और समोसे को कर देंगे पैक। तो देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा समोसा जो है वो रेडी हो चुका है। तो बस इसी तरह से हम सारे समोसे जो है वो बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने समोसा जो है वो रेडी कर दिया है, सारे समोसे जो है वो बन चुके हैं। तो अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ऑयल को पहले से गरम कर लिया है, इसमें अब समोसा ऐड करेंगे। पहले हम हाई फ्लेम पे ही समोसा ऐड कर देंगे और समोसा डालते ही हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे ताकि समोसे जो है अच्छे से अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। तो देखिए मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे घुमाते हुए फ्राई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड समोसा जो है हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो बस इसी स्टेज पे हम समोसे को जो है वो निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे समोसे जो है वो फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स रमजान स्पेशल इफ्तारी मटन कीमा समोसा हमारा बन के बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। तो आज की ये रेसिपी फ्रेंड्स कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं जल्दी से।
Bye.
fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on we'll go through the wastelands, through the highways. And on. Oh,
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on.
बाबा। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I and on we'll go, through the wastelands, through the highways.